यहाँ पे दो तीन मकानों में अनैतिक गतिविधियाँ हो रही हैं। घर में जब अनैतिक गतिविधि हो रही है तो उसके खिलाफ हमारे लोगों ने देखा तो पूछा, भाई ये क्या हो रहा है? तो उसके प्रत्युत्तर में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मारपीट खुद उधर से ही कर दिया हमारे लोगों के साथ। लाठी डंडों से भी हमला किया गया था कि सर हाथापाई हुई? हाथापाई भी हुई थी और उनके हाथ में डंडे भी थे, ये सारी चोट लगी हुई है। कहीं कोई प्रार्थना नहीं हो रही थी, प्रार्थना चर्च में होती है, कभी सड़क पे प्रार्थना होती है देखी आपने इन लोगों की? अब हमारा मंदिर होता है, इनका गिरजाघर या चर्च होता है तो लोग जाके उसमें प्रार्थना करते हैं, लेकिन घर में आकर के आप एक गोपनीयता से धर्म का परिवर्तन करा रहे हैं। भोले भाले लोग हैं हिंदू समाज के, उनको जो है धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज से 5-6 साल पहले 101% जो है ताहिरपुर में हिंदू आबादी थी, जब ये चर्च बनाए हैं यहाँ तब से इन्होंने चर्च के सहारे से ईसाई बनाने के कन्वर्ट करने का जो काम है इन्होंने शुरू किया है। बहुत लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक ये है, किसी की शादी का लालच दे दिया, किसी को पैसे का लालच दे दिया, किसी को नौकरी का लालच दे दिया। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। GTB एंक्लेव इलाके में एक कथित चर्च में कथित तौर पर यह बात कही जा रही है कि वहां पर धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा था, जिसके विरोध में कुछ स्थानीय लोग काफी समय से थाने में कंप्लेंट देते हुए आ रहे थे और वहां पर कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके बाद कुछ लोग इसको गलत तरीके से इसका प्रचार शुरू कर देते हैं और ये बोलना शुरू कर देते हैं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा वहां पर बाइबल को फाड़ा गया और वहाँ पर जो ईसाई लोग आए हुए थे उनके साथ मारपीट की गई। सर आप वहाँ पर मौजूद थे, आपके साथ मारपीट हुई थी? हाँ, मारपीट हुई है हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुष्यंत शर्मा है। क्या हो रहा था वहाँ पर, आप क्या करने गए थे? जरा एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए दर्शकों की हुआ क्या था। अपने किसी साथी की जो बच्ची है उसको बचाने के हिसाब से गए थे हम लोग वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर दूसरे जो अधर्मी टाइप के लोग थे जो हमारे विचारधारा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। वहाँ पर क्या चल रहा था जब आप लोगों ने पहुँचा, क्या देखा? तो वहाँ पर भीड़भाड़ हो रही थी और नारेबाजी कर रहे थे वो हमारे खिलाफ, सब हिंदू धर्म के खिलाफ। हिंदू धर्म के खिलाफ वहाँ पर कार्यक्रम चलाए जा रहे थे? हाँ जी। वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो अपनी प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए थे, हमारे ऊपर पथराव किया, हम पर हमला किया, हमारी बाइबल पढ़ दी। कहीं कोई प्रार्थना नहीं हो रही थी, प्रार्थना चर्च में होती है, कभी सड़क पर प्रार्थना होती देखी आपने इन लोगों की? फिर ये तो आप भी समझदार हो, आप भी जानते हो इस बात को कि जो प्रार्थना होती है वो हमेशा चर्च में होती है, प्रार्थना बाहर नहीं होती रोड पर। रोड पर जो नारेबाजी होती है ना दूसरे धर्मों के खिलाफ, जो जहर फैलाया जाता है, वो सबसे गलत काम हो रहा था वहाँ पर। आपके साथ मारपीट उन लोगों ने करी जो वहाँ पर ये कन्वर्जन का रैकेट जैसा आप लोग कह रहे हैं वैसे चल रहा था? जी, ये सारी चोट लगी हुई है। तो लाठी डंडों से भी हमला किया गया था कि सर हाथापाई हुई? हाथापाई भी हुई थी और उनके हाथ में डंडे भी थे, कई लोगों के हाथ में, और डंडों से उन्होंने हमला किया हमारे ऊपर। क्या ऐसा लग रहा था कि प्लान्ड था कि अगर कोई हमें रोकने के लिए आएगा, हमारे कन्वर्जन रैकेट को रोकने के लिए आएगा तो हम उन पर हमला? प्री प्लान्ड था पूरी तरीके से, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ। पूरी प्लानिंग के तहत वो काम किया उन्होंने। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। आपने क्या देखा जब ये घटना हुई? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ RWS इसी इलाके के। जी, ये बताइए क्या हुआ था, ये जो घटना जिसमें बात कही जा रही है कि धर्मांतरण चल रहा था, चर्च खोलने की तैयारी थी? नहीं, यहाँ पे दो तीन मकानों में अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं, जिसमें बाहर से कुछ लोग आते हैं और वो ईसाई गतिविधियों को मतलब बहुतायत में यहाँ धर्म के आधार पे या हिंदू जो है निम्न तबके का है यहाँ उनको वेला फुसला करके लालच दे करके और ईसाई बनाने का कन्वर्ट करने का काम चल रहा है दो तीन गली में, जिसमें प्रत्यक्ष में एक गली नंबर 11 में भी है और एक ये कल जो घटना घटी है ये गली नंबर 2 में हुई है, जहाँ कुछ अपने लोग जा रहे थे तो मालूम हुआ कि यहाँ कुछ बाहर से लोग आए हैं जो ईसाई गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने जो भोले भाले लोग हैं हिंदू समाज के जो निम्न तबके के हैं उनको जो है धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के लोग हैं जो बात कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, जो धर्मांतरण नहीं चल रहा था और हिंदू संगठनों ने हमला किया उनके ऊपर, उनकी किताब पढ़ दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे प्रत्यक्ष में था और वो उनको हमारे धर्म के मतलब विपरीत और ईसाई धर्म के प्रति वो बता रहे थे। अच्छा। जो यहाँ 4-5 लोग बाहर के जो थाने में बैठा ले गए थे वो तो यहाँ ताहिरपुर के थे ही नहीं, बाहर से आकर के ईसाई गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। तो अपने लोगों ने देखा, कहा भाई ये क्या चल रहा है, तो उन्होंने ही उसका जो प्रत्युत्तर किया और हमारे लोगों के साथ मारपीट की और उनको मारपीट क्या किया मतलब मारपीट करके अपने ही लोगों को, इतवार का दिन था वहाँ पास में एक बहुत बड़ा चर्च है वहाँ बहुत लोग रहते हैं इनके, फ़ोन करके उनको बुला लिया तो सब लोगों को उन्होंने ही पिटवाया और उल्टा हम लोगों के खिलाफ थाने में कंप्लेंट कर दी। पहले कभी इस प्रकार की जो गतिविधियाँ होती थी जो कन्वर्जन के पहले कंप्लेंट हुई है?
नहीं, हम असामाजिक जो गतिविधि होती रहती हैं उनके बारे में कई बार समय समय पर बताते रहे हैं पुलिस प्रशासन को भी वैसे भी, लेकिन मैं जो कल घटना हुई है, देखिए चर्च में अब हमारा मंदिर होता है, इनका गिरजाघर या चर्च होता है तो लोग जाके उसमें प्रार्थना करते हैं, जैसे इतवार में आते हैं, यहाँ कम से कम 4-5 साल से चर्च है, बहुत बड़ा है, वहाँ प्रार्थना करते हैं, कोई विरोध नहीं है, भाई उनका देवालय वो करेंगे, लेकिन घर में आकर के आप एक गोपनीयता से धर्म का परिवर्तन करा रहे हैं, जो हमारे हिंदू समाज के जो गरीब हैं, रोजी रोटी रोज कमाते खाते हैं, उनको आप बेला फुसला करके लालच दे करके धर्म परिवर्तन करा रहे हो, घर में करा रहे हैं, तो घर में जब अनैतिक गतिविधि हो रही है तो उसके खिलाफ हमारे लोगों ने देखा तो पूछा भाई ये क्या हो रहा है, तो उसके प्रत्युत्तर में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मारपीट खुद उधर से ही कर दिया हमारे लोगों के साथ। आप लोगों के साथ मारपीट की गई? जी, जो लोग हमारे वहाँ प्रत्यक्ष थे उनके साथ में। आप यहीं के स्थानीय नागरिक? मैं स्थानीय नागरिक हूँ यही। ये जो हमला हुआ बताया जा रहा है कि एक चर्च पर हमला किया गया है, कहाँ था ये चर्च? तो कहीं दिख नहीं रहा है, एक घर में चर्च चल रहा था और क्या हो रहा था? चर्च मत कहिए आप, ये चर्च नहीं है, ये ताहिरपुर गांव गली नंबर 2 के अंदर सीधे धर्मांतरण कराया जा रहा था लोगों का, और इस तरीके की गतिविधियाँ चल रही थी, उसका विरोधाभास हुआ है वहाँ। अच्छा, ठीक है जी, ऐसा नहीं है, हम तो सिर्फ अपनी प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते, हिंदू संगठनों ने हम पे हमला कर दिया। कहीं भी प्रार्थना के लिए लोग इकट्ठे नहीं होते, सेवा के नाम पे सौदा करते हैं, गरीब परिवारों को जोड़ते हैं, गरीब परिवारों को लेके ये लालच देके, कुछ पैसों को रुपया देके, लालच देके इस तरीके की गतिविधियां कराते हैं और वो धर्म परिवर्तन सीधे कराते हैं। ये बिल्कुल हो रहा है, ये पूरा धर्मांतरण का कार्यक्रम कब से चल रहे हैं आप? ये बिल्कुल सने धीरे धीरे क्या करते हैं, कुछ लोगों को टारगेट करते हैं, उनसे मिलते हैं, गुप्त मिलने के बाद जाके वहाँ पर छोटे छोटे धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, उनको छोटे छोटे लालच देते हैं, हम आपकी नौकरी लगा देंगे, हम आपको पैसा देंगे, हम आपके बेटे को यहाँ पढ़ाने भेजेंगे, इस तरीके के सौदे करके ये सीधे धर्म परिवर्तन करते हैं। कई वामपंथी दल है, उनका तो ये कहना है कि यहाँ पर जो है हिंदू धर्म ने के लोगों ने मारपीट की। बिल्कुल नहीं, ये गलत बोला जा रहा है, हिंदू धर्म के लोगों ने कोई मारपीट नहीं की, हिंदू धर्म के लोग मारपीट कर ही नहीं सकते, ना करते हैं, हिंदुओं के साथ योजनाबद्ध तरीके से इस काम को किया जा रहा है। आप, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, क्या हिंदू के घर में ही उनको ये जो सभा होनी थी वो होनी थी? उनकी जो धर्म की सभा हिंदुओं के घरों में ही होनी चाहिए थी क्या? वो बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से धर्म परिवर्तन कराने के नाते से वहाँ पर आए थे और वो इस तरीके का कार्य कर रहे थे, हिंदुओं के घर में ही कर रहे थे, वो किसी अपने ईसाई के घर में नहीं कर रहे थे, वहाँ सारे हमारे हिंदू परिवार हैं ताहिरपुर गाँव के अंदर, कोई उनका ईसाई परिवार नहीं रहता वहाँ। इस तरीके की घटना छुटपुट घटना होती ही रहती है, ये लोग इस तरीके का सौदा करते हैं हमारी सेवा बस्तियों में जाके, हमारी झुग्गी बस्तियों के अंदर जाके, जो छोटे लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि पैसे की आवश्यकता है, ऐसी जरूरत है, उनको किसी ना किसी तरीके सौदा करते हैं ये लोग, उस तरह धर्म परिवर्तन करते हैं सीधे। और भाई साहब, आज से 5-6 साल पहले 101% जो है ताहिरपुर में हिंदू आबादी थी, कुछ नहीं था, जब ये चर्च बनाए हैं यहाँ तब से इन्होंने चर्च के सहारे से परिवारों में जाना शुरू किया है और ये अनैतिक जो गतिविधियाँ हैं ईसाई बनाने के, कन्वर्ट करने का जो काम है, घरों में जा करके गरीब लोगों को लालच दे करके इन्होंने शुरू किया है। अच्छा। और इसके बाद फिर लालच दे के कहते हैं कि आइए आप चर्च में आइए, आप वहाँ आपको जो है ये होगा वो होगा, तो ये पहले घरों से शुरुआत करते हैं, तो ये कल जो इतवार को घटना घटी है घरों में हुई थी, तो घर में कौन सी पूजा पद्धति होती है भाई? मुझे, मैं हिंदू हूँ, मैं जाऊँगा तो पूजा करूँगा, मंदिर में जाऊँगा, या घर में करूँगा तो अपना अकेला करूँगा कि मैं अड़ोस पड़ोस ये जो 4-5 लोग जो बाहर से आए हैं और 15-20 लोग यहाँ के जो बैठा रखे थे गरीब लोग हमारे, तो क्या उनकी जो है ऐसी कौन सी घर में जा करके प्रार्थना हो रही है या वो हो रही है? सर, आपके साथ जब मारपीट की गई, आप पर हमला किया, पुलिस कंप्लेंट कराई आपने इस पूरे मुद्दे की जो आपके साथ हुआ? नहीं, उस समय मैं एक्चुअली बेहोश हो गया था, मैं कंप्लेंट कराने की स्थिति में नहीं था, इसलिए मैंने कंप्लेंट नहीं कराई। अच्छा, अभी क्या पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया, अभी तक कोई अरेस्ट किसी को किया गया? ये मुझे जानकारी में नहीं है, मैं एक्चुअली अभी थोड़ा होश में आया हूँ, तो मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ थोड़ा सा, तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। हम लोगों को बताया ही नहीं जा रहा है क्या हो रहा है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह उनका जो है साथ दे रहा है, वो उनके बारे में जानकारी हमें, हम समय समय पर हमारे लोग मांग रहे हैं कि भाई क्या है, हमारे साथ मारपीट हुई है, हम लोगों का कुछ नहीं है, गलती उनकी है कि हमारे लोगों को आके कन्वर्ट कर रहे हैं और हमने उसको जो है जानकारी किया, तो हमको बताया नहीं जा रहा है और हमको जो है क्या कार्रवाई होनी है क्या नहीं होनी इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। अच्छा। समय समय पर पूछ रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं हमारे लोग, मतलब सहयोग नहीं है आपको कहीं? ना ना, बिल्कुल कोई सहयोग नहीं मिल रहा है हमें। और भी कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल कन्हैया है और मैं इस जिले का जिला मंत्री हूँ विश्व हिंदू परिषद का। VHP से आप जी? आप ही लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने बाइबल फाड़ी, आप लोगों ने मारपीट करी, ईसाई लोग जो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे वो तो प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए थे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग आए और हमला कर दिया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें, हम सब लोगों को पता ही लगभग 6:30 के करीब पता पड़ा कि यहाँ पर इस तरह की घटना घटी है। हम 6:30 हम लोग इस थाने पर आए हैं ये पूछने के लिए कि भाई हम जब मौजूद नहीं है तो हमारे नाम से चर्चाएँ क्यों चल रही हैं ये।
तब जाके पता पड़ा। अभी फिर दूसरे दिन जाके उन्होंने बता दिया कि आपका कोई नाम नहीं है, विश्वहिंदू परिषद बजरंग दल का कोई नाम नहीं है, क्योंकि कोई कार्यकर्ता था ही नहीं, ये स्थानीय लोगों की अपनी आपसी लड़ाई थी और इसे रंग दे दिया, सांप्रदायिक रंग दे दिया। तो ये जो यहाँ पर कन्वर्जन का रैकेट चल रहा था जैसे स्थानीय लोगों ने बताया, क्या ऐसा इस इलाके में आपने कुछ नोटिस किया कभी? पिछले 2-3 सालों से ये ईसाई धर्मांतरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो अभी पीछे अभी यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया था कि कई बार लोगों को बताने के बावजूद भी यहाँ पर नहीं रुक रहा है, ये बहुत लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है, किसी की शादी का लालच दे दिया, किसी को पैसे का लालच दे दिया, किसी को नौकरी का लालच दे दिया, इस तरह से। और द वायर ने एक खबर छापी है कि विश्वहिंदू परिषद बजरंग दल वहाँ पर लाठी डंडे RSS वाले लोग लेके पहुंचे थे, नाम भी डाले हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। द वायर वहाँ पर मौजूद नहीं था, उसने एक चर्च लिखा है, एक शब्द लिखा है कि चर्च को, चर्च में जाके हमला किया है। क्या किसी के घर को हम चर्च बोल देंगे? अगर मैं अपने घर पर राष्ट्रपति भवन लिखवा दूं तो वो राष्ट्रपति भवन हो जाएगा क्या? है तो सबसे पहले सारे न्यूज चैनलों को ये समझना चाहिए कि चर्च क्या चीज़ होती है और घर क्या होता है, ये समझना चाहिए। विश्वहिंदू परिषद बजरंग दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी की कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था, ये आपसी मतभेद हुए हैं। भाई मान के चलो, अगर आपने मेरे को बुला रहे हो पिछले 5 साल से कि तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे आप ईसाई बन जाओ और नहीं दिए, तो कभी ना कभी तो मेरा गुस्सा फूटेगा, ये इसी तरह से फूटा होगा, आपसी लड़ाई है। और हमें बोल रहे हैं कि बजरंग दल और विश्वहिंदू परिषद कोई फुटेज में आया है क्या? वहाँ पर CCTV कैमरे लग रहे हैं, जबकि स्थानीय ये हिंदू हैं, यहाँ के जो लोग हैं और संगठन के लोग हैं, लगातार पुलिस से सहयोग मांगना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें भगा दिया जाता है। हिंदू आदमी को अंदर डाल दिया है बिना किसी बात के। अगर मान के चलो कल को ये कहेंगे कि मोदी जी ने गोली मार दी किसी को, तो जो मोदी जी को उठा लाएंगे पुलिस वाले, खुद सोचने वाली बात है। भाई किसी पे आरोप एकदम लगा, सत्यता तो होनी चाहिए किसी चीज की। जो VHP और बजरंग दल है, क्या आप लोगों के किसी कार्यकर्ता को अभी तक पुलिस ने डिटेन किया है, हिरासत में लिया है? एक जो वहां पर स्थानीय कार्यकर्ता थे वहीं के मोहल्ले के, उन्हीं को लेके गए हैं, उनसे उनकी शायद कोई दुश्मनी होगी इसलिए उनका नाम लिखवा दिया होगा। मतलब जो वहाँ पर कन्वर्जन चला था उन लोगों की दुश्मनी? हाँ, उनकी दुश्मनी। अच्छा, उनके जो ईसाई जो वहाँ पर लोग थे जो इकट्ठा हुए थे जैसा कह रहे कि प्रार्थना के लिए, उनका ये कहना है कि कन्वर्जन तो हम नहीं करते, हम तो सिर्फ प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, ये लोग आए और हम पर हमला कर दिया, क्या अब हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में प्रार्थना भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं यदि पूजा करूँगा तो मंदिर में जाके करूँगा, और या अपने व्यक्तिगत घर में करूँगा। अब मैं रोहिणी के लोगों को ताहिरपुर में लाके बुला के पूजा थोड़ी कराऊंगा। दो चीज़ें हो सकती हैं, समझ सकते हैं हम, किसी का बर्थडे होता है, किसी के यहाँ पे कोई शादी होती है, तब तो हम बाहर के अपने अतिथियों को बुलाते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, हर संडे को कौन सा बर्थडे हो रहा है भाई तेरा? अगर धर्मांतरण नहीं है, चल मैं मानता हूँ प्रार्थना करा रहा है, प्रार्थना कराने के लिए बगल में 100 मीटर 200 मीटर दूरी पर चर्च हैं, दो चर्च हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, विश्वविख्यात चर्च हैं, उनमें जाके कराओ ना, मना किसने किया है यार? घरों में क्यों करा रहे हो? यदि मैं मानता हूँ मैं पूजा करता हूँ तो मैं अपने घर में करता हूँ ना, व्यक्तिगत अकेला। स्ट्रेटेजी है घरों में कराने की, इससे कोई प्लानिंग है? ये तो इनकी बहुत पहले से ही प्लानिंग चल रही है, जहाँ पर देखते हैं कि कमजोर वर्ग है वहाँ पर पैसे का लालच और नौकरी का लालच या शादी का लालच दे के ये धर्म परिवर्तन कराते हैं, और धीरे धीरे करके वो हिस्सा कटता चला जाता है हिंदुओं से। तो आप लोगों ने देखा, जो स्थानीय लोगों ने बताया, जो स्थानीय लोगों से हमने बात की, और जिस प्रकार से भ्रामक जानकारियां इस पूरी खबर को लेकर फैलाई जा रही थी, वो यहाँ पर स्थानीय लोगों ने आज साफ कर दी है कि यहाँ पर एक कन्वर्जन का रैकेट चलाने की कथित तौर पर तैयारी चल रही थी, जिसका स्थानीय लोगों ने भंडाफोड़ कर दिया। VHP और बजरंग दल को जिस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में फंसाया जा रहा था, यहाँ पर उनकी तरफ से भी आज सफाई पेश हुई और बताया है कि कोई भी कार्यकर्ता बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का वहाँ पर मौजूद नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप लोगों के जो विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ओ न्यूज़ हिंदी की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।